वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ पूर्वी अजमेरा फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फिफ्थ का रीडिंग एंड राइटिंग पार्ट, जिसमें हम पार्ट स्टार्ट करेंगे बी राइटिंग इंग्लिश ग्रामर का, और वो है फर्स्ट है हमारा पैराग्राफ कंप्लीटिशन। आज हम सीखेंगे कि पैराग्राफ जो है वो कैसे लिखते हैं और पैराग्राफ कंप्लीटिशन जो है वो कैसे करते हैं। ये कौन सी क्लास का है? क्लास फिफ्थ का। आप आइए पेज नंबर 92 पे, अपने बुक के पेज में निकालिए 92 पेज नंबर, पार्ट बी राइटिंग का, जिसमें सबसे पहला है पैराग्राफ कंप्लीटिशन, कैसे हम पैराग्राफ करेंगे। इन योर एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन ऑन पैराग्राफ कंप्लीटिशन इज आस्क्ड। आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में एक दो जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ कंप्लीटिशन पे आएंगे ही आएंगे। इन दिस क्वेश्चन सम वर्ड्स आर गिवन इन ब्रैकेट। इसमें क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्या दिए होंगे, ऊपर कुछ क्लूज दिए होंगे, कुछ वर्ड जो है वो आपको ऊपर ब्रैकेट्स में दिए होंगे। सम ब्लैंक स्पेसेज आर लेफ्ट इन द पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ दिया होगा उसमें इस तरीके की क्या होगी, कुछ ब्लैंक स्पेसेज होगी और ऊपर आपको क्या दे रखा होगा, कुछ ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे होंगे। दिस ब्लैंक स्पेस हैड टू बी फिल बाय चूजिंग सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन इन द ब्रैकेट, और आपको क्या करना है, इन फिलअप्स को फिल करना है किससे, ये जो गिवन ब्रैकेट में जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको यूज करके आपको इसको फिल करना है। फॉर योर प्रैक्टिस सम मच क्वेश्चन आर बिंग हियर, और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे सबसे पहला है डेवलप अ पैराग्राफ ऑन अ कैमल बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद सुटेबल गिवन इन द ब्रैकेट। आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है कैमल पे जिसमें आपको सुटेबल वर्ड दे रखे ब्रैकेट में, और ऐसे पैराग्राफ दे रखे और आपको क्या करना है इसके अंदर ये फिल करना है। तो सबसे पहला है द कैमल इज अ कॉमन डैश इनर डैश इट इज अ वेरी डैश फॉर मैन इट इज अ डैश ऑफ द शिप ऑफ डैश इट इज अ वेरी डैश एनिमल इट हैज डैश लॉन्ग डैश इट हैज अ डैश इट्स टीथ आर वेरी डैश इट ईट्स डैश लीव्स इट कैन रन ऑन डैश पीपल डैश ऑन इट्स बैक इट ड्रॉज डैश एंड प्लव डैश। अब ये था, अब आपको क्या करना है, ये जो वर्ड दे रखे हैं इनको कौन से सूटेबल हैं उस सेंटेंस में आपको, उस ब्लैंक में आपको भरना है। जैसे द कैमल इज अ कॉमन एनिमल, तो एनिमल आया यहाँ पर इन राजस्थान। इट इज वेरी यूजफुल फॉर मैन इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट इट इज अ वेरी बिग एनिमल इट हैज फोर लॉन्ग लेग्स इट हैज अ हम इट्स टीथ आर वेरी शार्प इट्स इट्स थोनी लीव्स इट कैन रन ऑन सैंड पीपल राइड ऑन इट्स बैक इट ड्रोज कार्ट्स एंड प्लव फील्ड। तो ये क्या था, एक एग्जाम्पल था जिसमें आपको क्या दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है जिसके अंदर कुछ ब्लैंक्स दे रखे और आपको कुछ सुटेबल वर्ड दे रखे, उन वर्ड्स को यूज करके आपको क्या करना है, ये सारे पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसे करके आपको टोटल 14 या 15 पैराग्राफ दे रखे हैं जो आपको करने हैं। ये सारे आपको कॉपी में भी करने हैं, ये आपका होमवर्क है, सारे पैराग्राफ 1 से लेके 15 तक आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, ये सारा वर्क आप कंप्लीट करना, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे जो है वो सारे कंप्लीट करने हैं। ये सब दे रखा है, ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं, टोटल ऐसे 8, 9, 10, 11 से पूरे 14 है। ये सब आपको बुक, अपने बुक में से देखिए कॉपी में करने हैं, और ये है पैराग्राफ, और इसका एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ज़रूरी ही आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।